नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस विचार आइडिया। बिजनेस विचार आइडिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रूपचंदा मछली की फिश फार्मिंग के बारे में बताएंगे A to Z आपको। दोस्तों, ये एक नई कल्चर की मछली है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं। और ये मार्केट में आजकल ज़्यादा चलने वाली मछलियाँ हैं, मतलब बिकने वाली ज़्यादा मछलियाँ हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि रूपचंदा मछली खाने से बहुत अच्छा लाभदायक है और फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और रूपचंदा मछली के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे इसको कैसे आप पालें और क्या क्या इसमें चारे लगते हैं वगैरह, और उसके बाद कितने बड़े तालाब में आप कितनी मछलियाँ डालें, और इसकी पूरी A to Z हम आपको पूरी वीडियो बताएंगे। और देर न करें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में कि रूपचंदा फिश फार्मिंग कैसे करें और कितने बड़े तालाब में हम कितना मछली डालें, कि छोटे से तालाब में मछली पालन कैसे शुरू करें। यदि आपके पास बड़ा तालाब नहीं है तो आप छोटे ही तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। जैसे अगर आप रूपचंदा फिश फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो मोनोकल्चर आप इसे करिए, क्योंकि इसमें ये जो मछलियां हैं ये मांसाहारी मछलियां हैं, क्योंकि इनकी जो तित हैं वो बहुत मजबूत हैं, क्योंकि ये मछली को भी नुकसान कर सकती हैं। जो अन्य मछली अगर आप डाल रहे हैं तो उस मछली को नुकसान कर सकती हैं, इसीलिए इसे मोनोकल्चर करना चाहिए। और अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट का अगर तालाब है आपके पास, तो लमसम आप उसमें जो मार्केट में अगर आप देख रहे हैं बच्चे जो होते हैं फिंगर, मतलब अगर सिक्के की साइज से आप मछली लेके आ रहे हैं रूपचंद फिश, तो लमसम आप अगर 3000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो लमसम आप उसमें 1500 से 2000 मछली के बच्चे आप डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लमसम 1 से 1.5 फीट की स्पेस जरूरी रखना पड़ता है। वो क्योंकि इस मछली को मोनोकल्चर करना चाहिए। मोनोकल्चर का मतलब जैसे किसी एक तालाब में केवल एक ही मछली डालें। अगर आप एक मछली डाल रहे हैं तो बेटर है, अगर आप उसमें और मछली अगर मतलब डालना चाहते हैं, जैसे कोई अन्यथा मछली अगर आप डाल रहे हैं, क्योंकि मोनोकल्चर में आपका फ़ायदा ही है। अगर आप मोनोकल्चर में अगर अन्यथा दूसरी मछली अगर आप डाल रहे हैं तो नुकसान भी आपका है, क्योंकि जो ये रूपचंद मछली है ये जो अन्यथा दूसरी मछलियाँ हैं, अगर आप इसे चारे बराबर अगर चारा नहीं दे रहे हैं, अगर इनको भूख लगेगी तो जो मछलियाँ ही खा लेती हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे अन्यथा जो मछलियाँ होती हैं उन्हें ही खा सकती हैं, क्योंकि बहुत आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि रूपचंदा मछली केवल सिंगल करें, तालाब में केवल सिंगल ही मछली डालें, कोई दूसरा मछली ना डालें। अगर आपके पास 3000 स्क्वायर फीट है तो 1500 फीस आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ना डालें। अब बात किया जाए कि रूपचंद मछली के चारे के बारे में। जैसे आप नॉर्मल मछली को फीड मतलब खिलाते हैं तो वैसे नॉर्मली आप इन्हें चारा भी खिला सकते हैं, और जो मंगूर को अगर आप जैसे चारे खिलाते हैं उसी तरह इन्हें भी खिलाना पड़ता है चारा। अगर आपके पास चिकन की वेस्टेज भी है तो उन्हें भी ला कर खिला सकते हैं, और घर के वेस्टेज भी आप खिला सकते हैं, और जैसे पोल्ट्री फार्म के वेस्टेज हैं उन्हें भी खिला सकते हैं। उन्हें खिलाने से मछलियाँ तेज़ ग्रोथ लेंगी, और आप कमर्शियल फीड भी डाल सकते हैं, और इन चीज़ों को डालने से मछलियाँ बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेती हैं और आपको बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आप इसे सिंगल कल्चर करिए, अन्यथा दूसरी मछलियाँ ना डालें। अगर आप दूसरी मछलियाँ डाल रहे हैं तो आपको बहुत नुकसानदायक होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।